गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कैलाश चोटिया, मेरा नाम कैलाश चोटिया है। और जो रघुनाथ जो रत्नगढ़ का सबसे बेस्ट स्कूल है, सबसे अच्छा स्कूल है, उसकी ओर से जो हमारी ऑनलाइन क्लासेज चल रही है, उस ऑनलाइन क्लासेज में मैं कक्षा 12 में आपको राजनीति विज्ञान का अध्ययन है वो करा रहा हूँ। नोट्स के माध्यम से आपका अध्ययन है वो चल रहा है। जैसा कि बच्चों आपको पता है, पॉलिटिकल साइंस में हमारी जो सेकेंड भाग है उसकी जो दूसरी यूनिट है वह चल रही है, और जो उसका जो दूसरा लेसन है वो हमारा है वो शुरू हो चुका है। दूसरा लेसन था जो हमने आपको मैंने आपको बताया है, संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं शक्तियां, प्रधानमंत्री, स्थिति एवं कार्य। तो मैंने आपको राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया के बारे में पिछले टॉपिक में आपको मैंने समझाया था कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया क्या है। आज हम राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जो विभिन्न सूत्र प्रयोग में किए जाते हैं उनका अध्ययन करेंगे, और इसके अलावा हम राष्ट्रपति की शक्तियों का भी विवेचन करेंगे। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त विधि द्वारा किया जाता है। फिर बता देता हूँ, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त विधि द्वारा संपन्न होता है। फिर आपको एक बार रिपीट कर देते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन इस प्रक्रिया को आपको याद करना है, इसको स्मरण करना है, इसे दिमाग में बिठाना है। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त विधि द्वारा किया जाता है। तो भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त विधि द्वारा संपन्न होता है, या उसका निर्वाचन है वो संपन्न किया जाता है। जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है जिसमें संसद के दोनों सदस्य होते हैं, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा तथा राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं वो मिलकर करते हैं। इस प्रकार राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। यह चुनाव एक विशेष विधि जिसे हम आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय विधि भी कहते हैं, उसके द्वारा गुप्त विधि से होता है। इस विधि में विजय होने वाले उम्मीदवार को कुल डाले गए वैध मतों का आधे से एक मत ज्यादा प्राप्त करना होता है। इस विधि में जो निर्वाचित होने वाला व्यक्ति होता है उसे आधे से एक ज्यादा न्यूनतम मत कोटा जिसे हम कहते हैं, आधे से एक ज्यादा न्यूनतम मत कोटा कहते हैं, जिसे हम कहते हैं कि कुल डाले गए जो वैध मत है उनका आधे से एक ज्यादा मत प्राप्त करना आवश्यक है। न्यूनतम मत कोटा क्या कहता है? कुल डाले गए वैध मतों की संख्या प्लस एक, निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या प्लस एक। इस प्रकार जो व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होना चाहता है उसे न्यूनतम मत कोटा प्राप्त करना आवश्यक है, और न्यूनतम मत कोटा प्राप्त करने का सूत्र कौन सा है? कुल डाले गए वैध मतों की संख्या बट्टा निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या प्लस एक प्लस एक। ठीक है, तो ये न्यूनतम मत कोटा राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए यह प्रक्रिया अपनाई जाती है। जब तक व्यक्ति को न्यूनतम मत कोटा प्राप्त नहीं होता तब तक उसे राष्ट्रपति निर्वाचित नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति का निर्वाचन 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए होता है, वह पुनः चुनाव भी लड़ सकता है। राष्ट्रपति किसी भी समय उपराष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र दे सकता है। यदि राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है, कदाचार किया है, संविधान का उल्लंघन किया है, तो राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 61 के द्वारा, संविधान का अनुच्छेद 61, सिद्ध कदाचार, भ्रष्टाचार या उसने अपने पद का दुरुपयोग किया है, तो इस आधार पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा ही हटाया जा सकता है।
महाभियोग की प्रक्रिया है, संविधान के अनुच्छेद 61 में वर्णित है, जिसके तहत यदि राष्ट्रपति ने कोई भ्रष्टाचार किया है, कदाचार किया है, पद का दुरुपयोग किया है, ऐसी स्थिति में ही राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 61 में इसका वर्णन दिया गया है। यह महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति को कम से कम 14 दिन पहले सूचना देनी आवश्यक है। महाभियोग के प्रस्ताव की संसद की कुल सदस्यों की संख्या कम से कम 2/3 सदस्यों का बहुमत होना जरूरी है। अगर राष्ट्रपति का पद मृत्यु, त्यागपत्र या अन्य कारण से रिक्त हो जाए तो 6 महीने के अंतर्गत मृत्यु, बीमारी, त्यागपत्र दे राष्ट्रपति, इसके कारण रिक्त हो जाए तो विधि ने 6 मंथ 6 महीने के अंदर अंदर राष्ट्रपति का निर्वाचन हो जाना चाहिए। राष्ट्रपति का निर्वाचन है वो 6 महीने के अंदर अंदर हो जाना आवश्यक है। और जो राष्ट्रपति नए राष्ट्रपति बनता है वो शेष अवधि के लिए नहीं बनेगा, वो पूरे 5 वर्ष के लिए बनेगा। वो शेष बची हुई अवधि के लिए, राष्ट्रपति जो मर चुका है उसकी बची हुई अवधि के लिए वो राष्ट्रपति नहीं बनेगा, बल्कि वो पूरे 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति बनेगा। तो मैंने जैसे बच्चों बताया है कि संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति को महाभियोग से हटाने की प्रक्रिया का वर्णन है। इसके लिए जो महाभियोग प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जाता है उसके 14 दिन पहले राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देनी आवश्यक है या आवश्यक देनी पड़ती है। तो 14 दिन के अंदर अंदर उसे सूचित किया जा सकता है। तो राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए कौन कौन सी अर्हताएं हैं, कौन कौन सी योग्यताएं जिसके तहत कोई भी व्यक्ति है वो राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ सकता है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निम्नलिखित योग्यताओं का होना आवश्यक है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निम्नलिखित अर्हताओं का होना आवश्यक है। पहला, वह भारत का नागरिक हो। उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो। ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। वह भारत का नागरिक होना ही चाहिए। वह उसकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। इसके अतिरिक्त वह सरकार के अंतर्गत किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। गैर गंभीर व्यक्ति को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए निर्वाचक मंडल में से प्रस्तावकों के अनुमोदन की व्यवस्था की गई है। श्री राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे जो 2 बार निर्वाचित हुए थे। जैसा कि मैंने बच्चों आपको बताया है, राष्ट्रपति का निर्वाचन के लिए एक निर्वाचक मंडल होता है जिसमें संसद के अलावा विधानसभा की, राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य है वो मिलकर उस निर्वाचक मंडल का गठन करते हैं। राज्य विधानमंडल की मत संख्या प्राप्त करने के लिए राज्य की कुल जनसंख्या में विधानमंडल के कुल चुने हुए सदस्यों को बांट दी जाती है और भागफल को 1000 से बांट दिया जाता है। इसे निम्नलिखित सूत्र से स्पष्ट किया जा सकता है। विधानमंडल के सदस्यों का कुल मत मूल्य, पहला है विधानसभा के सदस्यों का कुल मत मूल्य निकालने का क्या सूत्र है, राज्य की जनसंख्या बट्टा राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग 1000। यदि विधानमंडल के सदस्यों का मत का मूल्य निकालना है, किसी भी विधानसभा के या विधानमंडल के सदस्यों का मत का मूल्य निकालना है, तो विधानमंडल के सदस्यों का या विधानसभा के सदस्यों का मत का मूल्य निकालने के लिए विधानसभा कह सकते हैं या विधानमंडल, विधानसभा या विधानमंडल है के सदस्यों का मत का मूल्य निकालने के लिए राज्य की जनसंख्या बटा राज्य विधानसभा या विधानमंडल में निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या भाग 1000। तो राज्य विधानसभा, विधानसभा के सदस्यों का मत का मूल्य निकालने के लिए कौन सा सूत्र है, मैंने आपको जैसे बताया कि विधानसभा या विधानमंडल, विधानसभा कुछ राज्यों में विधानसभा में 1 सदन होते हैं, कुछ राज्यों में विधानसभा में 2 सदन होते हैं। तो विधानसभा के सदस्यों का मत का मूल्य निकालने के लिए कौन सा सूत्र होता है, राज्य की जनसंख्या बट्टा राज्य विधानमंडल में निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या भाग 1000। राज्य की जनसंख्या बट्टा राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या भाग 1000। दूसरा है संसद सदस्यों का मत का मूल्य निकालने का सूत्र है, राज्य विधायिका के सदस्यों के कुल मत मूल्य
राज्य विधायिका के सदस्यों का कुल मत मूल्य बट्टा संसद के निर्वाचित सदस्य। यदि हमें संसद के सदस्यों का मत का मूल्य निकालना है, यदि संसद के सदस्यों का मत का भार निकालना है, तो संसद के सदस्यों का मत का भार निकालने का कौन सा सूत्र है? राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों का कुल मत मूल्य, राज्य विधायिका के सदस्यों का कुल मत मूल्य बट्टा संसद के निर्वाचित सदस्य। राज्य विधायिका के सदस्यों का कुल मत मूल्य बट्टा संसद के निर्वाचित सदस्य। किसी भी संसद सदस्यों का जो मत का मूल्य निकाला जाता है, उसका फार्मूला क्या है? देश की सभी राज्यों की जो विधायिका है या विधानमंडल है, उसके सदस्यों का जितना भी मत मूल्य है, उस मत मूल्य में हम संसद के जो निर्वाचित सदस्य हैं उसका भाग देते हैं। तीसरा, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है न्यूनतम मत कोटा। न्यूनतम मत कोटा प्राप्त करना या न्यूनतम मत मूल्य प्राप्त करने का सूत्र तो क्या है? कुल डाले गए वैध मतों की संख्या बट्टा निर्वाचित किए जाने वाले या निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या प्लस एक प्लस एक। न्यूनतम मत कोटा प्राप्त करने का सूत्र क्या है? कुल डाले गए वैध मतों की संख्या प्लस एक निर्वाचित किए जाने वाले प्रतिनिधियों की संख्या। निर्वाचित किए जाने वाले प्रतिनिधियों की संख्या, कुल डाले गए वैध मतों की संख्या, निर्वाचित किए जाने वाले प्रतिनिधियों की संख्या प्लस एक प्लस एक, यह न्यूनतम मत कोटा प्राप्त करने का सूत्र है। इस आधार पर हम कह सकते हैं, यदि किसी उम्मीदवार को उक्त निर्धारित मत नहीं मिले तो चाहे उसके अधिक मत हो, निर्वाचित नहीं किया जा सकता। यदि उसे न्यूनतम मत कोटा प्राप्त नहीं होता, तब तक उसे निर्वाचित घोषित नहीं किया जा सकता, उसे निर्वाचित नहीं माना जा सकता। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम मत कोटा प्राप्त करना जरूरी है। यदि किसी उम्मीदवार को निर्धारित मत मूल्य नहीं मिलते तो चाहे उसको कितनी अधिक मत मूल्य हो, निर्वाचित नहीं किया जा सकता। हर मतदाता को इतने वरीयता मत देने का अधिकार होता है जितने उम्मीदवार होते हैं। उसको अपनी पसंद से वरीयता निर्धारित करने का अधिकार होता है। यदि प्रथम गणना में किसी भी उम्मीदवार को निर्धारित संख्या में मत मूल्य नहीं मिलते तो फिर दूसरी गणना शुरू हो जाती है। सबसे पहले उस उम्मीदवार को हटाया जाता है जिसे सबसे कम मत मिले हैं। यह क्रिया उस समय तक चलती है जब तक कि एक उम्मीदवार को निर्धारित मत संख्या प्राप्त नहीं हो जाती। निर्धारित मत मूल्य है वो प्राप्त नहीं हो जाता। इस पद्धति को निम्नलिखित उदाहरण से स्पष्ट कर सकते हैं। यदि राष्ट्रपति पद के लिए कुल मैदान में उम्मीदवार है वो चार है, क ख ग और घ, कुल मत भार है वो 140,000 है। प्रथम गणना में प्रत्येक उम्मीदवार को मत प्राप्त हुए तो 140,000 1+1+1 70,001 यानी 70,001। इस प्रकार हम देखते हैं कि किसी भी उम्मीदवार को निर्धारित मत कोटा अभी तक यदि नहीं मिलता है तो यह प्रक्रिया दोहराई जाती है जब तक कि किसी भी व्यक्ति को न्यूनतम मत कोटा प्राप्त नहीं हो जाए, न्यूनतम मत कोटा है वो नहीं मिल जाए। अब हम देखेंगे कि वेतन विशेषाधिकार और सुविधाएं भारत सरकार द्वारा, ये पुराना आदेश है, मैं पुराने आदेश क्योंकि तुम्हारी आपकी किताब में पुराना आदेश है तो मैं पुराने आदेश के हिसाब से आपकी किताब के हिसाब से पढ़ रहा हूँ। हाँ, हालांकि अब चेंज हो चुका है, लेकिन जो पुरानी किताब होगी, यदि आपकी जो किताब कह रही है उस किताब के हिसाब से ही राष्ट्रपति के वेतन भत्ते वो मुझे बताने होंगे। हालांकि उसमें चेंज हो चुका है, लेकिन किताब के हिसाब से, आपकी बुक के हिसाब से, जो आपकी बुक में है उसी के हिसाब से मुझे आपको राष्ट्रपति के वेतन भत्ते विशेष अधिकार सुविधाएं बतानी है। भारत सरकार द्वारा 11 सितंबर 2008 से राष्ट्रपति का वेतन 1,50,000 प्रतिमाह निर्धारित किया गया है। इसमें भी परिवर्तन हो चुका है बच्चों, क्योंकि किताब के हिसाब से, इसलिए मैं आपको किताब के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। जब तक कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर है उसके विरुद्ध कोई दीवानी या फौजदारी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, न ही किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है और न ही उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। 2 महीने के लिखित नोटिस देने के पश्चात
राष्ट्रपति के विरुद्ध दीवानी कार्रवाई की जा सकती है। पूर्व राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाने पर उसकी पत्नी को सेवानिवृत्ति होने पर राष्ट्रपति को मिलने वाली पेंशन की आधी राशि और सरकारी मकान है वो आजीवन प्राप्त होगा। राष्ट्रपति भवन राष्ट्रपति का औपचारिक निवास है, जो रायसीना हिल, दिल्ली में रायसीना हिल है, वहाँ पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। राष्ट्रपति भवन है वो राष्ट्रपति का औपचारिक निवास है, जो रायसीना हिल दिल्ली में है उसकी पहाड़ी पर बना हुआ है। रायसीना हिल पर बना हुआ है, वहाँ पर राष्ट्रपति निवास करता है। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के निकट छरबरा में उसका ग्रीष्मकालीन निवास स्थित है, जिसका नाम द रिट्रीट है। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद में राष्ट्रपति नीलियम में भी उसका एक अन्य आवास है। राष्ट्रपति की शक्तियाँ और कार्य, हम राष्ट्रपति की शक्तियों और कार्यों की विवेचना करेंगे। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च पदाधिकारी होता है। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च पदाधिकारी है, सबसे बड़ा पदाधिकारी है, वह सबसे प्रमुख कार्यपालिका का अध्यक्ष भी माना जाता है। राष्ट्रपति की शक्तियों को दो भागों में बांटा जा सकता है, सामान्य शक्तियां और संकटकालीन शक्तियां। कार्यपालिका शक्ति, सामान्य शक्तियों में कार्यपालिका शक्ति, कार्यपालिका शक्ति, जैसे कि आपको बताया गया है, राष्ट्रपति भारत की कार्यपालिका का वैधानिक प्रमुख होता है। संघ का शासन राष्ट्रपति के नाम से ही होता है, संघ का शासन होता है वो राष्ट्रपति के नाम से होता है, संघ का शासन किया जाता है वो राष्ट्रपति के नाम पर ही होता है। राष्ट्रपति ही सर्वे सर्वा होता है, राष्ट्रपति ही प्रमुख होता है, राष्ट्रपति ही सर्वे सर्वा होता है। वह प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों, वह प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रिपरिषद के सदस्यों को नियुक्त करता है, उनको उनकी शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति है वो उनकी पद और गोपनीयता की शपथ है वो दिलाता है। इसके अलावा वह महान्यायवादी, विदेशों में राजदूत, राज्य में राज्यपालों की नियुक्ति करता है। इसके अलावा राष्ट्रपति विदेशों में राजदूत, महान्यायवादी, इसके अतिरिक्त राज्य में राज्यपाल, जो केंद्र का प्रतिनिधि होता है, राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है, उसके रूप में राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। राष्ट्रपति ही राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति ही राज्यों में राज्यपाल है वो नियुक्त करता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों और अन्य न्यायाधीशों को नियुक्त करता है। भारत का राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों को नियुक्त करता है। राष्ट्रपति भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों को नियुक्त करता है। इसके अलावा संघ स्तर पर जो प्रमुख आयोग है, जैसे संघ लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग आदि के सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास है। संविधान के अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति को क्षमादान करने का अधिकार प्रदान किया गया है। राष्ट्रपति को क्षमादान करने का अधिकार है वो दिया गया है। राष्ट्रपति है वो किसी भी व्यक्ति के अपराध को कम कर सकता है, माफ कर सकता है, क्षमा कर सकता है। यदि किसी व्यक्ति को दंड को, जिसमें मृत्युदंड भी शामिल है, राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति के दंड को क्षमा कर सकता है, विलंबित कर सकता है, निलंबित कर सकता है या लघुकरण कर सकता है। अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 72 है वो राष्ट्रपति को क्षमादान करने का अधिकार देता है। इस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को किसी भी व्यक्ति के अपराध को कम करने, उसकी सजा को कम करने, स्थगित करने, निलंबित करने अथवा माफ करने का अधिकार है और किसी की मृत्युदंड की सजा को आजीवन कारावास में भी बदल सकता है। इस प्रकार राष्ट्रपति है वो कार्यपालिका का प्रमुख होता है। इन सभी के साथ राष्ट्रपति भारतीय तीनों सेनाओं का, भारत की जो तीनों सेनाएं हैं, जल, थल और नभ सेना, जो स्थल सेना है जिसे हम आर्मी कहते हैं, नेवी और एयरफोर्स, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इन तीनों का प्रधान सेनापति राष्ट्रपति होता है। तो नेवी का, आर्मी का और
एयरफोर्स का जो प्रधान अधिकारी होता है वो राष्ट्रपति ही होता है, राष्ट्रपति ही उनका प्रधान अधिकारी होता है। उसे मंत्रिपरिषद की कार्रवाई के बारे में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई सभी सूचनाएं उसे प्रदान करें। अनुच्छेद 72 ध्यान में रखना, अनुच्छेद 72 कहता है कि राष्ट्रपति को किसी भी व्यक्ति के जो गंभीर अपराध का व्यक्ति है उसकी अपराध को कम करने, उसकी सजा को कम करने, निलंबित करने, स्थगित करने या माफ करने या मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदलने का अधिकार है। अनुच्छेद 78 क्या कहता है? अनुच्छेद 78 कहता है यदि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के संबंध में यदि कोई सूचना मांगना चाहे तो प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि राष्ट्रपति को मांगी गई सूचना है वो उपलब्ध कराए। इस प्रकार हम जानते हैं कि राष्ट्रपति की ये सारी शक्तियाँ औपचारिक है। आपको पता है कि ये सारी शक्ति राष्ट्रपति है वो कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान होता है। वास्तव में उसकी समस्त शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद ही करती है। वास्तव में राष्ट्रपति कार्यपालिका का नाम मात्र का हेड है। वास्तव में उसकी समस्त शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद करती है। प्रधानमंत्री सहित है वो मंत्रिपरिषद करती है। ये सब कार्य वो मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है, लेकिन विशेष राजनीतिक परिस्थिति में राष्ट्रपति को विवेक के अनुसार निर्णय करना पड़ता है। औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन वह किसी को भी ऐसे पद पर नियुक्त नहीं कर सकता। संसदीय व्यवस्था में लोकसभा में यदि बहुमत दल का नेता हो तो वह उसे प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। यदि बहुमत हो, जिसके पास हो, जिस पार्टी या जिस दल को बहुमत मिला हो, तो उस पार्टी या दल के प्रमुख को लोकसभा में वह प्रधानमंत्री है वो नियुक्त करता है। राष्ट्रपति एक तरीके से कह सकते हैं कि बाध्य होता है कि वह बहुमत दल के व्यक्ति को ही प्रधानमंत्री के लिए आमंत्रित करता है, बहुमत दल के व्यक्ति को ही प्रधानमंत्री के लिए बुलाता है। ये लेकिन जब चुनाव के बाद में यदि किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिले तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अपने विवेक के अनुसार फैसला लेता है। जैसे कि 1998 में भारतीय जनता पार्टी है वो गठबंधन सबसे बड़ा दल था और बहुमत के करीब था, फिर भी राष्ट्रपति ने गठबंधन के नेता अटल बिहारी वाजपेयी से अपने दावे के समर्थन में संबंधित राजनीतिक दलों के दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा। इससे भी बढ़कर राष्ट्रपति ने वाजपेयी को पद ग्रहण करने के मात्र दस दिन के अंदर अंदर लोकसभा में बहुमत साबित करने के लिए कहा, लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने के लिए कहा। इसके विपरीत 1991 के चुनाव के उपरांत नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार को राष्ट्रपति से ज़्यादा सहूलियत प्राप्त हुई जबकि वह अल्पमत में थी। तो यदि किसी चुनाव के बाद यदि किसी दल को लोकसभा में बहुमत न मिले तो राष्ट्रपति अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करता है या विवेकाधिकार का प्रयोग करके वह जिस व्यक्ति को, जिस पार्टी को, सबसे बड़ी पार्टी है या जो सबसे बड़ा गठबंधन है उसको भी प्रधानमंत्री के लिए या प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता है और उसे 10 दिन या 15 दिन का समय देता है जिससे कि वह लोकसभा में अपना बहुमत साबित कर सके। तो हमने आज राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया को अच्छे से समझा है। राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि मैंने आपको बच्चों बताया, राष्ट्रपति है अनुच्छेद 72 बताया जिसके तहत राष्ट्रपति को किसी भी व्यक्ति के अपराध को क्षमा करने, स्थगित करने, माफ करने, निलंबित करने या मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदलने का अधिकार है। और अनुच्छेद 78 जिसके अनुसार प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य कि राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई समस्त सूचनाएं उसे प्रदान करे। तो कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत हमने दो अनुच्छेद पढ़े हैं, अनुच्छेद 72 और अनुच्छेद 78। इसके अलावा अनुच्छेद 61 भी पढ़ा है जिसके अंतर्गत कदाचार, भ्रष्टाचार, पद के दुरुपयोग होने पर अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। लेकिन यदि सदन, कोई भी सदन महाभियोग प्रस्ताव लाना चाहे तो 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित किया जाना आवश्यक होता है। राष्ट्रपति को इसकी सूचना, पूर्व सूचना है वो दी जानी आवश्यक होती है। महाभियोग प्रस्ताव है या महाभियोग है वो किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लोकसभा और राज्यसभा में से किसी भी सदन में लाया जा सकता है। लेकिन महाभियोग लाने के लिए, महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम, महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम
14 दिन पहले उसको सूचना देना आवश्यक है। तो इस प्रकार हमने देखा है कि राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति की निर्वाचन की प्रक्रिया जिसके तहत विधानसभा के सदस्यों का मत मूल्य, संसद सदस्यों का मत मूल्य और न्यूनतम कोटा, इनके बारे में हमने पढ़ा है। इसके अलावा मैंने राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति के बारे में आपको बताया है। इस ये जो आज बताया है इसको आपको अच्छे से लिखना है, इसको अच्छे से समझना है, याद करना है। नोट्स आपको मैं लिखा ही रहा हूँ, आपको इसको नोट्स के रूप में इसको लिखने हैं, याद करने, ये आपका होमवर्क है। और कॉपी अपनी है वो स्कूल में भेजना शुरू कर दे ताकि मैं उन कॉपी को जांच कर सकूं, उनकी कॉपी की जांच है वो कर सकूं और आपकी कॉपी है वो समय पर चेक हो जाए। ये आपका होमवर्क है। धन्यवाद।